श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। संस्कृत व्याकरण के महासंग्राम में आज हम धातुरूप को समझते हैं। धातुरूप को समझने से पहले हम आपको बता देते हैं कि संस्कृत व्याकरण है क्या और संस्कृत व्याकरण में कहां तक कौन कौन से टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि संस्कृत व्याकरण को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये हमने अपनी सुविधा के लिए किया है, बाकी ऐसा कोई विधान नहीं है, क्योंकि ये आपस में सब अपनी विशेषताएं एक जैसी लेकर के बैठे हैं। पहला भाग उसमें वर्णमाला, माहेश्वर सूत्र, स्वर व्यंजन। दूसरा भाग उच्चारण स्थान, ये भी वर्णमाला से संबंधित है। तीसरा प्रयत्न, और प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ये भी अक्षरों से संबंधित है। चौथा संधि, संधि भी ऐसा टॉपिक है जो अक्षरों से संबंधित है, यानी वर्णमाला का दूसरा स्टेप संधि है। संधि को कभी भी समास या कारक के बीच में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि संधि किसी अर्थ के आधार पर नहीं है। समास कारक इत्यादि अर्थ के आधार पर समझे जाते हैं। संधि केवल वर्णमाला का सेकंड स्टेप है। उसके बाद में अव्यय, अव्यय भी ऐसे होते हैं जिसका किसी भी हालत में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये सभी एक प्रथम भाग में अलग से रखती है। यानी 1 से 4 तक आपस में कनेक्टेड है और अव्यय किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, हालांकि वह संधि से कनेक्टेड है, इसलिए इसको साथ में रखिए, क्योंकि दो अव्यय है तो उनकी संधि हो सकती है। अब मैं आपको दूसरा भाग समझाता हूं। दूसरा भाग संस्कृत की आत्मा है, व्याकरण का दूसरा भाग जिसमें शब्दरूप और धातुरूप है। अपन धातुरूप पढ़ रहे हैं और उससे पहले धातुरूप और शब्दरूप के महत्व को बता रहे हैं। वैसे अपन ने जो शब्दरूप प्रकरण इसी यूट्यूब चैनल पे 4 वीडियो बना करके अच्छे तरीके से समझाए हैं, वहां पर भी यही बात बताई है, तो वहां पर भी आप शब्दरूप का अच्छा ज्ञान कर लें और यहां धातुरूप का ज्ञान किया जाएगा। शब्दरूप संज्ञा शब्द होते हैं, धातुरूप क्रिया शब्द होते हैं। इसके बाद में तीसरा भाग आता है, वो आता है समास कारक प्रत्यय और वाच्य। समास ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर शब्दरूप और धातुरूप दोनों की आवश्यकता पड़ती है, और विशेष करके शब्दरूप की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहां जो ये डायग्राम है इसमें एक ही बात कहनी है कि अगर आपको शब्दरूप और धातुरूप क्लियर नहीं है तो आप संस्कृत के किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए शब्दरूप और धातुरूप बहुत ही आवश्यक है। यहां समास के अंदर विभक्तियां लगानी पड़ती है, इसलिए शब्दरूप बहुत आवश्यक है। उसके बाद में कारक, कारक तो शब्दरूप का दूसरा ही नाम है। कारक में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी और षष्ठी विभक्ति होती है, उसमें कोई कारक नहीं होता है संस्कृत में, और सप्तमी में अधिकरण होता है। इस प्रकार कारक तभी होगा जब आपके शब्दरूप याद होगा, वरना कारक वाला टॉपिक भी आप नहीं समझ सकते। प्रत्यय, प्रत्यय धातुरूप पे डिपेंड करता है और शब्दरूप पे, इसलिए कि प्रत्यय में 3 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं, इसलिए अगर अपन को धातुओं का ज्ञान नहीं होगा तो प्रत्यय भी नहीं कह सकते, और शब्दरूप के आधार पर ही अपना तद्धित प्रत्यय होता है, इसीलिए प्रत्यय भी इससे कनेक्टेड है। वाच्य, वाच्य संस्कृत की कसौटी है, इसलिए वाच्य में शब्दरूप और धातुरूप दोनों काम आते हैं। बिना शब्दरूप याद किए या बिना धातुरूप आत्मनेपदी प्रश्नेपदी याद किए वाच्य नहीं कर सकते, इसलिए आप अगर सीधे ये टॉपिक पढ़ने बैठते हैं तो आप इसको कभी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले शब्दरूप और धातुरूप होना जरूरी है। इसलिए कि संस्कृत में हमें वर्णमाला से न शुरू करके शब्दरूप और धातुरूप से संस्कृत पढ़ना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में ये तो अपने स्वतंत्र टॉपिक है, इसको अपन कभी भी समझ सकते हैं। अगर पहले समझते हैं तो इन सारे टॉपिक से पहले ये शब्दरूप और धातुरूप समझना आवश्यक है। अब चतुर्थ भाग,
चतुर्थ भाग में पुरुष वचन लिंग विभक्ति विशेषण विशेष्य और उपसर्ग इतने टॉपिक हैं। ये सभी पारिभाषिक टॉपिक हैं। पारिभाषिक का मतलब इनको समझना और उसके आधार पर उसका प्रयोग करना। पुरुष कहां काम आते हैं? धातु रूप में। वचन धातु रूप और शब्द रूप दोनों में। लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। लिंग अपने स्वतंत्र रूप से पारिभाषिक तौर पर काम आते हैं। विभक्ति शब्द रूप का है। कारक विभक्ति उपपद विभक्ति दो प्रकार की होती है। विशेषण विशेष्य ये शब्द रूप में आते हैं। शब्द रूप में वही विभक्ति वही वचन वही लिंग होता है दो शब्दों में, तो वो दो शब्द आपस में विशेषण विशेष्य होते हैं। उसके बाद में उपसर्ग। उपसर्ग भी ऐसा प्रसंग है जिसमें अपको धातु से पहले उपसर्ग जोड़ा जाता है। धातु से पहले ही इसलिए धातु रूप इसके लिए आवश्यक है। और उपसर्ग में संधि भी काम आती है। संधि पड़ी हुई है तो उपसर्ग अच्छे से समझ में आ जाते हैं। ये इस प्रकार आपस में सब कनेक्टेड है। पांचवा भाग है, इसको रचनात्मक कार्य कहते हैं। हालांकि ये व्याकरण से अलग है, फिर भी कक्षा 1 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में इसको व्याकरण के तौर पर ही लिया जाता है। इसलिए इनका संबंध भी शब्द रूप और धातु रूप से है। संवाद लेखन आपस में बातचीत कब होगी? जब आपको संस्कृत में वाक्य बनाना आएगा। और संस्कृत में वाक्य कब बनाना आएगा? जब आपको शब्द रूप और धातु रूप याद होगी। जैसे संवाद लेखन है उसी तरह से अनुच्छेद लेखन है, उसी तरह से कथा लेखन, पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र लेखन, कथा क्रम संयोजन, ये सभी टॉपिक अपन को जब संस्कृत बोलनी समझनी लिखनी आती है तब अपन कर सकते हैं। तो ये सब शब्द रूप और धातु रूप से हो सकता है। इसलिए शब्द रूप और धातु रूप कितने महत्वपूर्ण हो गए। फिर आता है अनुवाद। अनुवाद प्रकरण, जब अपन को संस्कृत में बोलना आता है विभक्तियां लगाकर, तब अपन हिंदी में बोल सकते हैं। और हिंदी में बोली हुई बात को संस्कृत में कब लिख सकते हैं? जब अपन को शब्द रूप धातु रूप याद होगा। इसलिए ये अनुवाद और वाच्य ये दोनों शब्द रूप और धातु रूप की अंतिम कसौटी है। इसलिए अनुवाद प्रकरण अपन को बिना किसी शब्द रूप धातु रूप के नहीं पढ़ना चाहिए। फिर आते हैं गद्यांश। गद्यांश में बहुत सारे व्याकरणात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और किसी प्रश्न को समझने के लिए किन सर्वनाम शब्द का रूप याद होना चाहिए, इसलिए अपन को शब्द रूप और धातु रूप याद कर लेना चाहिए, जिससे किसी भी तरह का अनसिन पैसे जाए, अपठित पद्यांश आए तो अपन उसको समझ सकते हैं। कुछ पद्यांश आते हैं श्लोक, उसको भी अपन संधि विच्छेद आदि करके, समास विग्रह आदि करके, उसमें विद्यमान शब्द रूप और धातु रूप को समझ करके अपन हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। इसके बिना नहीं हो सकता। फिर आती है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक के अंदर जो भी पाठ है उस पाठ में जितने भी शब्द होते हैं, प्रत्येक शब्द में कुछ न कुछ व्याकरण होती है। या तो वो शब्द रूप होता है, या धातु रूप होता है, समास होता है, कारक होता है, प्रत्यय होता है, वाच्य होता है, या फिर उसमें संधि विद्यमान है। इसलिए अपन को ये सारी चीज क्लियर करने के बाद में पाठ पढ़ना चाहिए, जिससे कि पाठ पढ़ते हुए हमें व्याकरण का प्रैक्टिस हो सके। व्याकरण की प्रैक्टिस के लिए ये सब होता है। इसलिए अपन को संस्कृत पढ़ने से पहले शब्द रूप और धातु रूप कर लेने चाहिए। आज हम धातु रूप कर रहे हैं, उससे पहले कि आपको शब्द रूप क्लियर कर लेने चाहिए, फिर अपन व्याकरण में प्रवेश करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। वरना आप कहोगे कि श्रीमान जी ऐसे क्या समझा रहे हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको समझ में जब आएगा तब आपको पहली सीढ़ी पार करनी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सीढ़ियां होती है तो उसके शुरुआत में 5 सीढ़ियां नहीं होती है तो ऊपर की 50 सीढ़ियां अपन नहीं चढ़ सकते। उसी तरह से संस्कृत व्याकरण में प्रवेश करने के लिए शब्द रूप और धातु रूप प्रथम सीढ़ी है। इसलिए अगर आपको इसमें थोड़ी कठिनाई हो, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी हो, या फिर आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो, तो भी उसको सहन करके ये याद करना होगा। अब शुरू करते हैं अपने शब्द रूप और धातु रूप, क्योंकि अपन शब्द रूप कर चुके हैं इसलिए अब धातु रूप कर रहे हैं। अब धातु रूप के अंदर जो बात समझने की है वो मैं अभी समझा रहा हूं। इससे पहले मोटिवेशन दिया था आपको, आपको तैयार किया था कि आपको क्या पढ़ना है, क्यों आवश्यक है, इसलिए आप लोगों को पहले वो बात बताई गई थी। अब देखिए धातु, धातु का अर्थ होता है क्रिया, और क्रिया को वर्ब कहते हैं इंग्लिश में। ये तीनों बात एक ही है, जैसे पठ
पढ़ना, रीड। आया समझ में? फिर धातु रूप के कुल कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं, परंतु कक्षा 10 स्तर तक 5 लकारों का ही प्रयोग किया जाता है और वे 5 लकार इधर है। क्रम संख्या लकार और हिंदी में उस काल को क्या कहते हैं? लट लकार। लट का मतलब वर्तमान और लकार का मतलब काल, इसलिए लकार को कहते हैं टेंस। लट वर्तमान, लकार काल, प्रेजेंट वर्तमान, टेंस काल। आया समझ में? फिर दृढ़ यानी भविष्य, फ्यूचर। लोट, अब लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा। आज्ञा मतलब ऑर्डर, आदेश देना। जहां पर आदेश देने की समय हो, आदेश हो, और ऐसा मतलब काल जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है वहां पर कार्य करना आवश्यक होता है, इसलिए वो लोट लकार होता है। लंग लकार यानी भूतकाल, पास्ट टेंस, ये आपको विदित है। विधिलिंग लकार सलाह देने की, सजेशन देने की स्थिति, तो आपको ये लोट लकार और विधिलिंग लकार समझना है। लोट लकार में ऑर्डर दिया जाता है और विधिलिंग लकार में सलाह दी जाती है। ये ऑर्डर अप्सरों की भाषा है, ऐसा करो वैसा करो, और विधिलिंग लकार साधुओं की भाषा है, चाहिए ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। अब संस्कृत में धातु रूप दो प्रकार के होते हैं, प्रश्नेपदी पठती पठ्य पठंती जैसा, आत्मनेपदी सेवते सेविते सेवन्ते जैसा। दोनों के पांचों लकार होते हैं, इसके भी 5 लकार, इसके भी 5 लकार, ये वाले। अब संस्कृत में धातु के 10 गण होते हैं। धातु रूप तो दो प्रकार के हैं, लेकिन धातु कितने हैं? धातु कितने प्रकार के हैं? धातु 10 प्रकार के हैं, उनको 10 गण कहते हैं। पहला भवादिगण, अदादिगण, जोहित्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, कर्यादिगण, चुरादिगण। इस तरह से 10 प्रकार के गण होते हैं, यानी भू धातु है वो भवादि गण का है। इसी तरह से अलग अलग अपने धातु होते हैं। उसके बाद में प्रत्येक गण में बहुत सारी धातुएं होती हैं। फिर अन्य 5 प्रकार के लकार, ये 5 लकार तो आपको बता दिए, लेकिन यहाँ बात जो छेड़ रखी थी कि 10 लकार होते हैं कुल, तो वो 5 और कौन से हैं? हालांकि ये कक्षा 10 रीट या टेट के लिए यहाँ आपके लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए। छठा लिट लकार जिसे प्रभूत कहते हैं। सातवां आर्शीलिंग यानी आशीर्वाद अर्थ में, भूयात यानी हो। लुंग लकार सामान्य भूतकाल होता है, अभूत यानी हुआ। लुट लकार भविष्य काल के लिए होता है और वो भी भावी होना चाहिए, भविता यानी भावी होगा। उसके बाद में लिंग लकार भविष्य संभावना अर्थ में, अब भविष्य यानी इसके बाद होगा, मतलब कोई भी भविष्य में घटना घटित होगी उसके बाद में क्या होगा उसके लिए ये आता है। लुट लकार कल के बाद क्या होगा वो आता है। ये बहुत ही समान है, इसलिए इनका प्रयोग अपने सामान्य रूप से नहीं किया जाता है। धातु रूप में कुछ बातें आवश्यक रूप से समझने की होती हैं। उनमें से दो बात बहुत ही आवश्यक रूप से समझनी है, पहली वचन और दूसरी पुरुष। बिना वचन और पुरुष को समझे अपन धातु रूप नहीं समझ सकते, क्योंकि वचन तो शब्द रूप में भी आते हैं, परंतु पुरुष शब्द रूप और धातु रूप दोनों का विषय है। किस प्रकार से? धातु संस्कृत शब्द है, इसे हिंदी में क्रिया कहते हैं तथा अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। धातु अर्थात क्रिया का संबंध काल अर्थात समय से होता है, और संस्कृत में 5 काल होते हैं। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, दृढ़ लकार भविष्य काल, लोट लकार आदेश देने की स्थिति, आज्ञार्थ, विधिलिंग लकार सलाह देने की स्थिति, चाहिए अर्थ में, और लकार का मतलब काल होता है। धातु रूप का संबंध वचन और पुरुष से है, अतः इन दोनों का अध्ययन भी आवश्यक है। पहले वचन को देख लेते हैं। जिन शब्दों से हमें कोई संख्या या समूह का ज्ञान हो उन शब्दों में वचन होता है। वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, और जिसका हिंदी में अर्थ संख्या भी होता है। नंबर को
हिंदी में संख्या भी कहते हैं और नंबर को वचन भी कहते हैं। अतः व्याकरण पढ़ते समय वचन का अर्थ संख्या होता है और अगर साहित्य पढ़ते हैं तो वचन का मतलब होता है वादा। तो संस्कृत में वचन का मतलब क्या होगा? संख्या। अब हिंदी में व अंग्रेजी में दो दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन सिंगुलर नंबर और बहुवचन प्लूरल नंबर। परंतु संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन और जिसमें संख्या एक होने का ज्ञान हो, द्विवचन जिसमें संख्या दो होने का ज्ञान हो, बहुवचन जिसमें संख्या दो से अधिक यानी कि तीन या तीन से अधिक होने का ज्ञान हो। ज्ञात रहे हैं बहुत सी संख्याओं के एक समूह के नाम को एक वचन में लिखेंगे, जैसे कक्षा। बहुत सी संख्याओं का एक समूह है, बहुत सी संख्या क्या है? छात्रों की। लेकिन कक्षा शब्द में छात्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए बहुत सारे छात्र होने पर भी कक्षा एक वचन है। और सेना, सेना के अंदर बहुत सारे फौजी होते हैं फिर भी सेना एक वचन है। परंतु बहुत सी संख्याओं के समूह के नाम न होने हो तो बहुवचन होते हैं, जैसे चावल। एक चावल होता है उसको तंडुल कहते हैं, लेकिन बहुत सारे चावलों को तंडुलहा कहते हैं क्योंकि बहुत सारे चावलों का समूह होता है, उसके लिए कोई नाम नहीं है। इसलिए यहां लिखा गया है किसी भी समूह के नाम को, नाम को क्या कहते हैं? एक वचन। कोई भी समूह का नाम होना उसको नाम को एक वचन में लिखते हैं। लेकिन यहां पर चावलों के समूह को अलग से कुछ नहीं कहते हैं, जिस प्रकार फौजियों के समूह को सेना कहते हैं, इसलिए यहां पर ये बहुत सारे चावल मिलकर के उस चावलों के समूह को भी बहुवचन में लिखेंगे। वचन शब्द रूप और धातु रूप दोनों का विषय है, क्योंकि ऊपर से एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है और शब्द रूप में प्रथमा द्वितीय विभक्ति होती है और धातु रूप में एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है और प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष होते हैं। इस प्रकार वचन शब्द रूप और धातु रूप दोनों का विषय है, परंतु पुरुष धातु रूप का विषय होते हुए भी शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति के तीनों शब्दों से अभिन्न संबंधित है। ये बात आपको जेहन में उतार लेंगे, यानी पुरुष धातु रूप का विषय है ये तो आपको पता ही है। धातु रूप में पढ़ते पढ़ते पठन्ति, उसके अंदर प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष इस तरह से होते हैं, वो पुरुष है। लेकिन वो शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति के तीनों शब्दों से अभिन्न संबंधित है, अर्थात पुरुष क्या है वो चीज अपन पुरुष में अध्ययन करेंगे। परंतु यहां ये बता देते हैं कि पुरुष धातु रूप का विषय है, परंतु धातु का मतलब तो क्रिया होती है। अब उस क्रिया के लिए कर्ता चाहिए, कर्ता कहां से लाएंगे? शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति के तीनों शब्द कर्ता होते हैं, जो शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति में कर्ता, द्वितीय में कर्म, उस आधार पर ये तीनों शब्द कर्ता होते हैं। इसके अतिरिक्त विभक्तियां केवल शब्द रूप से संबंधित हैं, विभक्तियों का धातु रूप से कोई लेना देना नहीं है। अब पुरुष को देखते हैं, पुरुष शब्द का अर्थ आदमी नहीं है, केवल आदमी नहीं है, व्यक्ति है, और व्यक्ति महिला भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? पुरुष को जब व्याकरण में पढ़ते हैं तो पुरुष में निर्जीव प्राणी भी आ जाते हैं, इसको अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं। पुरुष संस्कृत हिंदी व अंग्रेजी तीनों भाषाओं में तीन तीन होते हैं, जिस तरह से वचन हिंदी और अंग्रेजी में दो दो होते हैं, संस्कृत में तीन होते हैं, उसी तरह से यहां नहीं, यहां पर तो पुरुष तीनों में, तीनों भाषाओं में तीन तीन होते हैं। परंतु हिंदी संस्कृत में समान क्रम होता है तथा अंग्रेजी में हिंदी और संस्कृत का उल्टा क्रम होता है। यहां देख लीजिए, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी, हिंदी में अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष कहते हैं संस्कृत में, और हिंदी के मध्यम पुरुष को संस्कृत का मध्यम पुरुष कहते हैं और हिंदी के उत्तम पुरुष को संस्कृत का उत्तम पुरुष कहते हैं। परंतु यहां जो प्रथम पुरुष है उसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहना चाहिए, प्रथम का मतलब फर्स्ट होता है। परंतु यहां प्रथम पुरुष को
अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन। जब अपन टेंस पढ़ते हैं तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इस तरह से अपन कुछ पढ़ते हैं। तो सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। इस तरह से यहाँ पर भी ये तीनों पुरुष अब अलग अलग देख लेते हैं। पुरुष में अध्ययन जब कर्ताओं की आती है, आता है, तब इन तीनों भाषाओं का क्रम बिल्कुल सही है, परंतु अंग्रेजी में केवल नाम चेंज है। अंग्रेजी में केवल नाम चेंज है, मतलब अपने को संस्कृत का प्रथम पुरुष है उसको अंग्रेजी का थर्ड पर्सन मानना है, तभी जाकर के वहां पर क्रम सही होगा। अब हिंदी के अंदर और संस्कृत के अंदर प्रथम पुरुष अंग्रेजी का थर्ड पर्सन है। अब इसके कर्ता कौन से हैं? विदाउट कर्ता अपन नहीं समझ सकते, क्योंकि कर्ता शब्द रूप का विषय है संस्कृत में, और कर्ता हिंदी में कारक का विषय है। इंग्लिश में कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं। अब प्रथम पुरुष के यानी थर्ड पुरुष के हिंदी में कर्ता होते हैं यह है वह है नाम, ट्रिपल डॉट। ट्रिपल डॉट का मतलब होता है अनलिमिटेड। सभी विश्व के सभी नाम क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सॉरी प्रथम पुरुष है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है। थर्ड पर्सन मतलब थर्ड पार्टी, बहुत सारे हैं इंग्लिश के अनुसार, लेकिन हिंदी और संस्कृत के अनुसार प्रथम पुरुष मतलब जिसके बारे में बातचीत की जाती है। अब संस्कृत में अयम यानी यह, स यानी वह, राम यानी राम, सीता यानी सीता, और संज्ञा शब्द, जितने भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, जितने भी नाम है, वो सभी नाम क्या है संस्कृत में प्रथम पुरुष में? राम, श्याम, गणेश, दिनेश, महेश, जो भी नाम होते हैं सब प्रथम पुरुष में आते हैं, कर्ता। फिर इंग्लिश में ही, सी, इट, दे, नेम्स, ही, वह, सी, वह, इट, यह, दे, वे, सभी नेम्स, सारे नेम, यानी सेम बात है तीनों में, प्रथम पुरुष की। आया समझ में? मध्यम पुरुष की बात करते हैं उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। इसमें तीनों लैंग्वेज में सेम बात रहती है, यानी जिससे बातचीत की जाती है सुनने वाला क्या हो, सुनने वाला करता, तुम, आप, दो ही होते हैं, फिक्स होते हैं। मध्यम पुरुष के कर्ता फिक्स होते हैं, यहां तो अनलिमिटेड, यहां अनलिमिटेड, यहां अनलिमिटेड, बहुत सारे कर्ता होते हैं। किसमें? प्रथम पुरुष में, यानी थर्ड पर्सन में। बट मध्यम पुरुष के कर्ता फिक्स होते हैं, सेकंड पर्सन के कर्ता फिक्स होते हैं, और संस्कृत में भी फिक्स होते हैं। संस्कृत में वचन तीन होते हैं, इसलिए मध्यम पुरुष के तीन कर्ता होते हैं, और हिंदी में दो वचन होते हैं, इसलिए दो कर्ता होते हैं, तुम और आप। अब इंग्लिश में केवल एक होता है, वो इसलिए क्योंकि यू यानी तुम, उसको इंग्लिश में सिंगुलर नंबर में भी कहते हैं और प्लूरल नंबर में भी, यानी यू एक वचन भी है और यू बहुवचन भी है। छोटे बच्चे को भी यू कहेंगे और बहुत बड़े प्रिंसिपल को भी यू कहेंगे, इसलिए इंग्लिश में सेकंड पर्सन का कर्ता एक ही है, हिंदी में दो है और संस्कृत में तीन है। परंतु इंग्लिश में नंबर दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यहां पर भी दो होते हैं। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। उत्तम का मतलब बोलने वाला, और इंग्लिश वाले कहते हैं बोलने वाला फर्स्ट होता है, सुनने वाला सेकंड होता है, और जिसके बारे में बोला जाता है वो थर्ड होता है। बात आई समझ में? परंतु हिंदी वाले कहते हैं, हिंदी संस्कृत वाले, बोलने वाला उत्तम होता है और सुनने वाला मध्यम होता है, और जिसके बारे में बोला जाता है वो फर्स्ट पार्टी होती है। फर्स्ट पार्टी मतलब जिसके बारे में बोला जाता है वो प्रथम पुरुष। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। उत्तम पुरुष के हिंदी में मैं और हम, बोलने वाला चाहे हम बोलते हैं या अपन जिससे बात कर रहे हैं वो बोलता है, जब वो मैं कहता है या हम मैं कहते हैं, तो बोलने वाला कर्ता हमेशा उत्तम पुरुष होता है, हम यानी बहुत सारे। संस्कृत में अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सभी, और इंग्लिश में आई और वी, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, इस तरीके से ये उत्तम पुरुष के कर्ता हो गए। ये जानकारी आपको आवश्यक रूप से होनी चाहिए धातु रूप बनने से पहले। यहां पर प्रेम, युवाम, युयम, प्रेम यानी तुम, युवाम में यू छोटा, तुम दोनों, युयम में यू बड़ा, तुम सभी, इस तरीके से पुरुष। इस प्रकार पुरुष के बारे में हमें सामान्य जानकारी हो गई है, तथा हमने संस्कृत में पुरुषकर्ताओं को पक्का याद कर लिया है। पुरुषकर्ताओं को पक्का याद कर लिया, क्योंकि हम पुरुष क्रियाएं मतलब धातु रूप को पुरुषकर्ताओं यानी शब्द रूप से जोड़कर सेंटेंस बनाने जाएंगे, अतः इसका ज्ञान हमें आवश्यक है।
सेंटेंस बनाने से पहले हम थोड़ा इसका ज्ञान कर लेते हैं। पुरुष यानी पुरुष के तीन प्रकार हैं। प्रथम पुरुष कोई अन्य कर्ता एवं उनकी क्रिया हो तो प्रथम पुरुष होता है। सभी नाम प्रथम पुरुष होते हैं। कुछ अगर उदाहरण है सै ते ता राम लता फलम इयम पुरुष व्याघ्र भवान भवती वह वे सभी राम लता फल यह पुरुष भाग आप ये पुल्लिंग में आप और ये स्त्रीलिंग में आप भी प्रथम पुरुष है। आप भी सुनने वाला नहीं होता है, मध्यम पुरुष। जब कर्ता सुनने वाला हो तथा क्रिया से भी सुनने होने का आभास हो तो वहां पर मध्यम पुरुष होता है। इनके कर्ता फिक्स होते हैं अर्थात तीन ही होते हैं संस्कृत में, त्वं युवाम युयम तुम दोनों तुम सभी। त्वं यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, युयम यानी तुम सभी। इस प्रकार इसकी क्रियाएं भी तीन होती हैं, पढ़सी पढ़थ पढ़त। त्वं के पढ़सी आ जाएगा, युवाम के द्विवचन पढ़ते आ जाएगा, युयम के पठत आ जाएगा। इस तरीके से इनकी कर्ताओं की क्रियाएं फिक्स होती है। अब सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है तो यहाँ पर आप शब्द है वो भी तो सुनने वाला होता है। तुम अगर हम कहते हैं किसी से बात करते हैं तो वो तुम करता है ना, वो मध्य पुरुष का है। अब सुनने वाला अपन को तुम कह देता है तो वो करता तुम नाम का करता ये हमेशा के लिए मध्यम पुरुष हो जाएगा। यानी तुम शब्द का प्रयोग वहां पर होना चाहिए। सुनने वाला जब बोलता है तो फिर मध्यम पुरुष नहीं होता है। अब आपको केवल इतना याद रखना है कि तुम दोनों तुम सभी ये क्या है, मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में जब कर्ता स्वयं बोलने वाला होता है तथा क्रिया भी स्वयं को निर्देशित करती हो वहां उत्तम पुरुष होता है। इसके भी कर्ता फिक्स होते हैं अर्थात तीन होते हैं, अहम आवाम वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सभी। इस प्रकार इसकी क्रियाएं भी तीन होती है, पठामी पठाव पठाम। पठामी अहम के साथ हमेशा पठामी, आवाम के साथ पठाव, वयम के साथ पठाम। इस तरीके से बोलने वाला उत्तम, सुनने वाला मध्यम। परंतु यहाँ सुनने की क्रिया का आभास हो, सुनने की क्रिया जैसे हो शब्द है वो सुनने की क्रिया का आभास करता है। और बोलने की क्रिया स्वयं को निर्देशित कैसे करती है, जैसे हूँ शब्द है वो क्रिया अपने आप को, जैसे मैं पढ़ता हूँ का मतलब है पढ़ता हूँ, मैं बोला ही नहीं पढ़ता हूँ, तो हूँ किसको निर्देशित करती है, स्वयं को। हो पढ़ते हो किसके लिए, मध्यम पुरुष के लिए। इसलिए क्रिया भी हमें आभाषित करती है दोनों में। प्रथम पुरुष के कर्ता राम है, बाल के, कृष्ण, छात्र, छात्रा, लता, हरि, भानु, नदी, माता, पिता, सह, सात, एश, एशा, इतर, इदम, इयम, अयम, भवान, भवती, भवत, ये चीज जो ऊपर बताई आप शब्द है उसके तीनों है। यानी सारे के सारे कर्ता प्रथम पुरुष के होते हैं। फिर बात करते हैं प्रथम पुरुष की क्रिया क्या, पठती पठते पठंती, तो ये सब एक वचन की है। इन सब के साथ आप पठती जोड़ सकते हो, राम है पठती, बाल के पठती, कृष्ण है पठती, छात्र है पठती, छात्रा पठती, और पठते इसकी द्विवचन। ये सब प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन के शब्द है। प्रथमा विभक्ति द्विवचन के शब्द के साथ पठता, प्रथमा विभक्ति बहुवचन के शब्द के साथ पठंती लगता है। इस प्रकार प्रथम पुरुष के कर्ता अनंत है और उसकी क्रियाएं केवल तीन है। अब मध्यम पुरुष के कर्ता त्वं युवाम युयम ये फिक्स होते हैं और इसकी क्रियाएं भी फिक्स होती है। उत्तम पुरुष के सॉरी मध्यम पुरुष की क्रियाएं पठसी पठता पठत। अब ये केवल अट लकार की है, यहाँ पर आपके लकार चेंज हो जाएगा तो भी क्रियाएं सेम रहेगी। अगले चार्ट में अगले नोट में देखेंगे कि वो क्रियाएं किस तरीके से चेंज होती है। कर्ता यहाँ पर मध्यम पुरुष का रहेगा तो क्रियाएं मध्यम पुरुष की रहेगी। फिर उत्तम पुरुष की कर्ता अहम आवाम वयम। उत्तम पुरुष की क्रियाएं पठामी पठाव पठाम, अहम पठामी, आवाम पठाव, वयम पठाव। इस प्रकार से ये आपको और ज्यादा अधिक समझा दिया। अब हम धातु रूप को मुख्य रूप से समझते हैं। यानी कोई भी धातु रूप पढ़ना शुरू करता है तो यहाँ से करता है, लेकिन हमने आधे घंटे तक धातु रूप को समझा कि है क्या। अब देखिए लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार में पांचों लकारों में पठ धातु की क्रियाएं चल रही है। यानी पठ का मतलब पढ़ना, उस पढ़ना को अपन
नौ 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 और नौ, नौ गुणा पांच बराबर कितने होते हैं? 45। 45 शब्द होते हैं कुल, 45 वर्ड है। सब के सब अलग है, यहाँ धातु रूप की तरह भ्याम 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 समान नहीं है, यहाँ सब अलग है। 45 का 45 अपने अलग स्वरूप में है, कोई भी किसी के जैसा नहीं है। किसी के हलंत है तो किसी के नहीं है, यहाँ पर पठा नी है तो यहाँ पठा मी है, यहाँ पठाव के विसर्ग है यहाँ पठाव के विसर्ग नहीं है, यहाँ पठाम के विसर्ग है तो यहाँ पर नहीं है, यानी कुछ न कुछ भिन्नता है, इसलिए उसका मतलब भी कुछ न कुछ अलग होता है। यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे 45 वाक्य बनाए हैं जिससे आपको गहनता से समझ में आ जाए। चलिए पहले इसका वाचन, लट लकार, पठती पठतः पठंती, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावह पठाम, लोट लकार, पठतु पठताम पठंतु, पट पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, लृट लकार, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावह पठिष्याम, लंग लकार, कृत का, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, विधिलिंग लकार, पठे पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। बात यहां पर है, अपन चाहे कितने भी पढ़े, ये पांच लकार आपको एक धातु में याद हो गए तो उसके बाद में वद गम रज नृत जो भी धातुएं आएगी अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है धातु रूप का, फिर पार्ट सेकंड आएगा, उसमें अपन उस चीज को समझ लेंगे कि यहाँ पर जो आपके धातु रूप की एक धातु होती है उसी के जैसे अन्य अन्य धातुओं के रूप होते हैं, तो एक धातु याद करने से सारे रूप हो जाते हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं तो वहां वो गलती आपके हमेशा बनी रहती है। एक धातु रूप के 45 शब्द में से अगर एक शब्द भी गलत हो जाता है तो वो पूरा गलत माना जाता है। उसका कारण ये है कि जिस शब्द को आपने गलत किया है उस शब्द की जगह वही है, उसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं। दूसरा आपने सही किया तो वो राइट नहीं हो सकता जो आपने गलत किया, इसलिए आपको 45 के 45 शब्द अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। अब हम आपको बता देते हैं कि पांचों लकारों में हलंत और विसर्ग की क्या स्थिति रहती है। ये पांचों लकारों में हलंत और विसर्ग की स्थिति रहती है क्योंकि यहां पर एक एक चीज की गिनती अति आवश्यक है। आपके हलंत ऐसा होता है जो कुल 11 होते हैं, पांचों लकारों में हलंत कितने होते हैं? 11। और विसर्ग ऐसा होता है वो कितने होते हैं? वो भी 11 होते हैं। अब लट लकार में हलंत होता है? नहीं होता है, कहीं पर भी हलंत नहीं है। फिर लोट लकार में दो हलंत है, यहां प्रथम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन, पठताम पठतम यहां पर मैं की हलंत है, इसकी गिनती अति आवश्यक है। उसके बाद में दृढ़ लकार में भी कोई भी हलंत नहीं होता है, ठीक है ना, ये विसर्ग होते हैं लेकिन लट लकार और दृढ़ लकार एक जैसे होते हैं इसलिए इसमें हलंत नहीं होता है, तो इसमें भी हलंत नहीं होता है, लेकिन लोट लकार में दो होते हैं। लंग लकार में सर्वाधिक हलंत होते हैं, पहली लाइन पूरी, तीन के तीन आगे, दूसरी लाइन के बीच वाला, तीसरी लाइन के स्टार्ट वाला, अपठताम अपठन अपठतम और अपठम, कुछ लोग अपठाव और अपठाम को भी हलंत विसर्ग कर देते, पठाम के विसर्ग कर देते हैं, हलंत कर देते हैं, या सेकंड लास्ट और लास्ट के हलंत विसर्ग नहीं होता है, ठीक है ना, न तो लोट लकार में होता है, न लंग लकार में होता है, न विधिलिंग लकार में होता है, लेकिन लट लकार और लृट लकार तो अलग ही है। लोट लकार में यहां दो लास्ट वाले, लंग लकार में दो लास्ट वाले, विधिलिंग लकार में दो लास्ट वाले, इसके न तो हलंत होता है न विसर्ग होता है। अब लंग लकार में पांच हलंत होते हैं, उसके बाद में विधिलिंग लकार में कितने होते हैं? चार। चार हलंत कहां होते हैं? पहला दूसरा और दूसरे का दूसरा तीसरे का पहला, यहां नहीं होता है, यहां नहीं होता है, बाकी सब इसमें लंग लकार में और विधिलिंग लकार में सेम होता है, पहले के लास्ट में हलंत होता है लंग लकार में और विधिलिंग लकार में विसर्ग होता है, बाकी सेम जगह दोनों की देख लो, ये और ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं विसर्ग की और हलंत की, तो ये एक एक्सचेंज है, यहां पर हलंत होता है लंग लकार में और यहां पर विसर्ग होता है, तो कुल मिलाकर विधिलिंग लकार में चार, लंग लकार में पांच, नौ हो गए, और लोट लकार में दो हलंत, तो कुल मिलाकर 11 हलंत हो गए। लट लकार और मृत लकार में हलंत नहीं होता। बात करते हैं विसर्ग की, विसर्ग भी 11 होते हैं।
विसर्ग ग्यारह होते हैं, लट लकार में चार होते हैं, लृट लकार में चार होते हैं, जहां पर ये चार होते हैं वहां के वहां होते हैं ये चार, एल आकार में होते हैं ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसे ये विसर्ग 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 विसर्ग, ठीक है ना। तो ये चारों चार आठ हो गए, फिर नौ दस ग्यारह तीन बाकी रह गए। तो लोट लकार में कोई डबल डॉट नहीं होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर विसर्ग करने की कोशिश करते हैं लेकिन लोट लकार में कोई भी विसर्ग नहीं होता है। उसके बाद में लंग लकार भूतकाल में, लंग लकार भूतकाल में एक विसर्ग होता है और विधिलिंग लकार में दो होते हैं। अब यहाँ विधिलिंग लकार और लंग लकार को पास में मैंने किस लिए लिखा, क्योंकि यहाँ आप मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग करोगे तो विधिलिंग लकार में भी मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग होगा। तो लंग लकार में तो एक ही विसर्ग होता है, विधिलिंग लकार में दूसरा कहाँ होता है, जो अपने अभी हलंत में कंपेयर किया था, यहाँ हलंत होता है यहाँ विसर्ग होता है, तो विसर्ग में ये काउंट हो गया। विधिलिंग लकार में प्रथमा बहुवचन और द्वितीय एक वचन में विसर्ग होते हैं, बाकी कहीं हलंत विसर्ग नहीं होते हैं। गलती आप लोग कहां करते हो, मध्यम पुरुष बहुवचन में पठत अपठत पठे, यहां आप हलंत कर देते हो। मध्यम पुरुष बहुवचन में कहीं पर भी हलंत नहीं होता है, यानी कि आपका जो ये पोर्शन है इसमें हलंत विसर्ग नहीं होता है इन तीनों लकारों में, यानी सेकंड का लास्ट और लास्ट का सेकंड और सेकंड लास्ट और लास्ट, यानी मध्यम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन, यहां हलंत विसर्ग नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है और इसमें भी नहीं होता है। यानी लट लकार और दृढ़ लकार आपने अलग से याद कर लिए तो सब याद कर लेते हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़ी सर दो ही याद हुए, बाकी वाले हुए नहीं। अरे बाकी वाले करने ही नहीं है, समझना है। यहाँ पर आपके हलंत विसर्ग किसी के भी नहीं होता है, ये तीनों, ठीक है ना। अब पठे यहाँ पर हलंत है और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पठतु में पठतु है और यहाँ पर नहीं है, यहाँ अपठत हलंत है और ऐसा कैसा यहाँ पर नहीं है। देखिए इस तरीके से आपको समझने के लिए कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आराम से इसको समझ करके बाकी धातुओं में आप लोग याद करें। अब मैं कुछ इसके वाक्यों को समझा देता हूं, फिर अपन आगे वाले पार्ट में कुछ अलग से इसके और ज्यादा अध्ययन को करेंगे। देखिए पट्टी पट्टे पटंती पटसी पट्टे पट्टे पठामी पठाओ पठाम, यही इसका क्रम है ना। तो इधर लिख दिया पटती पटते पठंती पटसी पठथ पठथ पठामी पठाव पठाम, यानी एक क्रिया के लिए एक वाक्य लिख दिया। अब इसके कर्ता को जोड़ दो, तो पटती पटते पटंती के लिए तो हजारों कर्ता होते हैं, कोई भी कर्ता जोड़ सकते हैं, इसलिए अपन ने बालक पटती, बालक एक वचन है, शत्रु का शत्रु के प्रथमा विभक्ति के जितने भी शब्द होते हैं सारे के सारे कर्ता होते हैं। बालक पटपटी याद हो गया, जो बालके में वचन होगा वही वचन इसमें होगा, जो बालक में लिंग होगा उसका क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हिंदी में पड़ता है। बालक में पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी, स्त्रीलिंग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बालक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है क्रिया तो आपकी वही रहेगी। यहाँ संस्कृत में क्रिया का प्रभाव पड़ता है पुरुष में, प्रथम पुरुष का करता है तो प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी, मध्यम पुरुष का करता है तो मध्यम पुरुष की क्रिया आएगी, उत्तम पुरुष का करता है तो उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग का नपुंसकलिंग का कोई भी करता है तो वहां पर आपकी क्रिया स्वयं रहेगी। बालक है पटती, बालिका भी पटती, राम पटती, सीता ही पटती, सब लोग पटती, ऐसे बदल ये है संस्कृत। बालक है पटती, बालको द्विवचन है तो पठत भी द्विवचन होगा, बालका बहुवचन है तो पठंती भी बहुवचन होगा। उसके बाद में ये त्वयम आ गया, यहाँ पर हमेशा त्वयम आता है, यहाँ त्वयम आता है, चाहे कहीं पर भी चले जाएंगे मध्यम पुरुष एक वचन में त्वयम आएगा, मध्यम पुरुष एक वचन की जो भी क्रिया होगी उसमें त्वयम ही जुड़ेगा। त्वयम पटसी युवा पठक युयम पठक, एक वचन द्विवचन बहुवचन, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है तो सुनने वाला तुम दोनों और तुम सभी होता है, त्वयम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठत तुम दोनों पढ़ते हो, युयम पठत तुम सभी पढ़ते हो, अहम पठामी अहम के साथ हमेशा पठामी आता है, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावर हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठाम हम सभी पढ़ते हैं। लेकिन ये तो लट लकार है, अब लोट लकार को देखते हैं, ये तो पढ़ते हैं और ये ऑर्डर दिया जाता है, बालिका पठतु बालिका आगे देखो, बालक यही यहाँ पर
पुरुष का कर्ता, तो यहाँ बालिका भी हो सकती है, यहाँ सह को बना दिया, यहाँ भगवान को बना दिया, यहाँ शिष्य को, यानी प्रथम पुरुष के कर्ता अनाप शनाप होते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष के कर्ता फिक्स होते हैं त्वयम त्वयम। अब बालिका पटू, बालिका पटे, ऑर्डर देना, ऐसे यहाँ पढ़ता है तो यहाँ पर भी पढ़ता नहीं, हजारों बातों एक साथ में याद रखनी है। एक बार याद करके आप खुद चार्ट बनाओ, फिर दोबारा और बनाओ, गलतियां आएगी, फिर तीसरी बार और बनाओ, काफी गलतियां आएगी, चौथी बार बनाओ, तीन चार दिन बाद में और बनाओ, तो जाकर के आपकी सारी गलतियां सुधरेगी। बालिके पढ़े, दो बालिकाएं पढ़े, बालिके पठताम, पठताम शब्द है, दो बालिकाएं पढ़े, बालिका पठन्तु, सभी बालिकाएं पढ़े, त्वं पठ, तुम पढ़ो, युवां पठतम, तुम दोनों पढ़ो, यूयं पठत, तुम सभी पढ़ो। आया समझे? अहम पठानी, पठानी यानी मैं पढूं, खुद को ऑर्डर दिया है, आवाम पठावर, हम दोनों पढ़ें, वयम पठाम, हम सभी पढ़ेंगे, दृढ़ लगा रहा, सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा, तव पठिष्यत, वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, वे सभी पढ़ेंगे, दृढ़ लगा रहे पढ़ेंगे, है ना, भविष्य काल के लिए, स तव ते, ये सर्वनाम, सारे सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं, केवल युष्मद और अस्मद को छोड़ करके, युष्मद मध्यम पुरुष होता है, अस्मद उत्तम पुरुष होता है। त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे, युवां पठिष्यत, तुम दोनों पढ़ोगे, यूयं पठिष्यत, तुम सभी पढ़ोगे, अहं पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, आवां पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे, वयं पठिष्यामः, हम सभी पढ़ेंगे। वयं के साथ में दूसरी क्रियाएं नहीं जोड़ सकते, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया आती है, हमेशा लास्ट वाले आते हैं, वयं के साथ हमेशा लास्ट वाले वर्ड आते हैं। भवान अपनर, भवान आ गया, आप पढ़े थे, लंग लकार भूतकाल मतलब पढ़े थे, आप पढ़े, भवन्तौ अपठताम, आप दोनों पढ़े थे, भवन्तः अपठन, आप सभी पढ़े थे, भवान शत्रु आपको याद होना चाहिए, त्वं अपठ, तुम पढ़े थे, युवां अपठतम, तुम दोनों पढ़े थे, यूयं अपठत, तुम सभी पढ़े थे। यहाँ पर भी अपठत है और यहाँ पर भी अपठत है, इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर हलंत है और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हलंत है और यहाँ पर नहीं है, ये भगवान के साथ या किसी के साथ जुड़ सकता है, राम है पढ़ती, दिनेश है पढ़ती, सुरेश है, राम है अपटत, दिनेश है अपटत, सुरेश है अपटत, महेश है अपटत, बालिका अपटत, कुछ भी जोड़ सकते हो, बट बिना हलंत वाले के केवल यूयम आएगा, क्योंकि मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता यूयम ही होता है, चाहे क्रिया कोई भी लकार की आए, केवल पट की नहीं, वध की, गम की, आगे धातु चेंज होगी तो भी मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हमेशा यूयम की ही होगी, यानी यूयम उसका कर्ता होगा। अहम अपठम, मैं पढ़ा था, आवाम अपठाव, हम दोनों पढ़े थे, वयम अपठाम, हम सभी पढ़े थे, पठेत, विधिलिंग लगा, शिष्य पठेत, पठेत चाहिए अर्थ में, शिष्य पढ़ना चाहिए, शिष्य पठेताम, दो शिष्य पढ़ने चाहिए, शिष्य पठेयु, सभी शिष्य पढ़ने चाहिए, त्वं पठे, तुम पढ़ने चाहिए, युवां पठेतम, तुम दोनों पढ़ने चाहिए, यूयं पठेत, तुम सभी पढ़ने चाहिए, अहम पठेयम, मैं पढ़ना चाहिए, आवाम पठेम, हम दोनों पढ़ने चाहिए, वयम पठेम, हम सभी पढ़ने चाहिए। इस प्रकार से ये अपना पुरुष धातुरूप का एक बार शेड्यूल हो गया, बाकी अपन इसको हिंदी से तुलना करेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में और देखेंगे। लेकिन अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब चैनल सब्सक्राइब होंगे तभी तो अच्छी क्वालिटी में चलेंगे और अपने साथी और भी देखेंगे, या फिर आप अगले वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी और हमें भी इसका अपना मेहनत का फल मिलेगा। इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें, एक मानवता के नाते आप सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और आप लोग इसको लाइक करें, ज्यादा लाइक होंगे तो ज्यादा लोग देखेंगे कि ये अच्छा है, और उसके बाद में आपकी क्वालिटी अच्छी बढ़ती जाएगी और उसके बाद में अच्छा सा आपको परिणाम मिल जाएगा। इन्हीं शक्ति के साथ में सेकंड पार्ट धातुरूप सेकंड पार्ट तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय दो हिंदम, जय दो संस्कृतम, भगवान आपका भला करें। छठी से दसवीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।